नमस्कार दोस्तों, Realme 10 Pro सीरीज चाइना में लॉन्च हो चुका है और ये सीरीज इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है बिकॉज इसका मेंशन हो चुका है Realme स्टोर के एप्लीकेशन पर। आप वहां पर ओपन करके देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे Realme 10 Pro Plus के बारे में बिकॉज इसका प्राइसिंग भी काफी कम है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। देखिए, Realme 10 Pro सीरीज चाइना में लॉन्च हो चुका है और ये सीरीज इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है बिकॉज Realme स्टोर के एप्लीकेशन पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं Realme 10 Pro Plus के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में Realme 10 Pro के बारे में। देखिए, आप जो Realme 10 Pro Plus है, इसका स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छा है और देखने में ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा है। आप यहाँ पर देख पाओगे इसका जो लुक एंड डिज़ाइन है वह काफ़ी इंप्रेसिव रखा गया है और बेजल्स काफ़ी कम है और चिन्ह वगैरह भी काफ़ी कम रखा गया है, इसलिए ये फ़ोन देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका कलर भी काफ़ी यूनिक है। आप देख पाओगे, मतलब Realme 10 Pro Plus लुक एंड डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छा है और जो भी चीज़ें हैं या फिर जो भी कलर है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। अगर हम बात करें कि स्पेसिफिकेशन क्या है, तो स्पेसिफिकेशन इस फोन का काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व AMOLED डिस्प्ले और यहाँ पर जो डिस्प्ले इसका क्वालिटी काफ़ी बेटर है। आप देख पाओगे बेजल्स काफी पतले हैं और चिन्ह भी काफी पतला रखा गया है इस फोन का और ये फोन आता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ और 360 का टच सैंपल रेट भी दिया गया है। और जिस स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन चाइना में लॉन्च हुआ है, सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। कोई भी फेर बदल नहीं होगा, बस प्राइसिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है। डिस्प्ले यहाँ पर HDR 10 प्लस के साथ आता है, मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन है डिस्प्ले का वो काफी बेटर है। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, इस फोन में दिया गया 108MP का AI ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ से आप यहाँ पर देख पाओगे, जहाँ पर 108MP का मेन कैमरा है जो कि आता है विदाउट एनी OIS का। उसके बाद 8MP का अल्ट्रा वाइड है और 2MP का माइक्रो कैमरा दिया गया है और इस फोन में दिया गया 16MP का सेल्फी कैमरा जो कि आता है सेंटर 10.5 के साथ। आप यहाँ पर देख पाओगे तो कैमरा में यहाँ पर OIS नहीं दिया गया है, बाकी जो कैमरा का स्पेसिफिकेशन है वो काफी ठीक ठाक है। अगर हम बात करें प्रोसेसर का, इस फोन में दिया गया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 वाला प्रोसेसर जो कि एक 5G प्रोसेसर है और ये फोन आने वाला है अप टू 12 5G बैंड के साथ और ये फोन आता है LPDDR4X रैम के साथ और ये फर्स्ट 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ, मतलब Realme 9 Pro Plus था उसी के जैसा प्रोसेसर इस फोन में भी दिया गया है। और इस फोन में दिया गया है 5000mAh की बैटरी जो कि आता है 67W चार्जर सपोर्ट के साथ और ये चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। ये फोन Android 13 पर रन करता हुआ दिखेगा जो कि बेस्ड होने वाला है Realme UI 4 पर। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, डुअल स्पीकर के साथ आता है और ये फोन वर्चुअल रैम के साथ भी आता है। तो आपने यहाँ पर Realme 10 Pro Plus का फुल स्पेसिफिकेशन जान लिया और जो लुक एंड डिजाइन है आप यहाँ पर देख पाओगे। ये फोन देखने में काफी अच्छा लगता है, स्पेसिफिकेशन भी काफी ठीक ठाक है। अगर हम बात करें कि Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन से ये फोन कितना अपग्रेड हुआ है, तो कैमरा के मामले में काफी पीछे हो चुका है बिकॉज Realme 9 Pro Plus आता था 50MP के OIS कैमरा सेटअप के साथ, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन डिस्प्ले के मामले में Realme 10 Pro Plus काफी बेटर है बिकॉज यहाँ पर आता है कर्व AMOLED डिस्प्ले और देखने में भी काफी यूनिक लग रहा है। अगर हम बात करें प्राइसिंग के बारे में, तो Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हुआ है अंडर 20K में, लेकिन ये फोन इंडिया में आने वाला है 25K के राउंड में और डिस्काउंट वगैरह करने के बाद ये फोन मिलेगा अंडर 20K में। मतलब जिस तरीके से आपको मिलता था Realme 9 Pro Plus या फिर उस पर जो ऑफर वगैरह मिलता था, उसी टाइप से प्राइसिंग और डिस्काउंट होने वाला है Realme 10 Pro Plus पे भी। ये फोन इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है बिकॉज Realme स्टोर के एप्लीकेशन पर इसको मेंशन किया गया है और जिस हिसाब से मेंशन किया गया या फिर टीज वगैरह हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अगले मंथ ये फोन इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा कंफर्म तरीके से। तो आज की इस वीडियो में ही बताने वाला था, अगले वीडियो में हम बात करेंगे Realme 10 Pro के बारे में। धन्यवाद।